टू माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए किंग लियर की समरी, वो भी हिंदी में। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग समरी को स्टार्ट करेंगे। देखिए ये हमारी किंग लियर जो कि विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई ट्रेजेडी है, इसको हम ग्रेट ट्रेजेडी के नाम से भी जानते हैं। और जो इसकी सोर्स है, सोर्स इसका लिया गया है हॉलिस्ट क्रॉनिकल से सोर्स लिया गया है इसका। और इसकी थीम है वो है सिविल वॉर। ठीक है, सोर्स इसका कहाँ से लिया गया है? हॉलिस्ट क्रॉनिकल से। और इसकी थीम क्या है? सोशल वॉर, क्योंकि इसकी पॉलिटिकल थीम है। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर है इसमें। इसमें फर्स्ट कैरेक्टर है हमारा किंग लियर, जो कि द किंग ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के जो राजा होते हैं। सेकंड है हमारा गॉनरिल। गॉनरिल कौन होती है? जो किंग लियर के तीन बेटियां होती हैं, जिनकी फर्स्ट बेटी का क्या नाम होता है? गॉनरिल। और सेकेंड बेटी का नाम होता है रीगन। थर्ड बेटी का नाम होता है कॉर्डेलिया। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा गॉनरिल। गॉनरिल कौन होता है? ड्यूक ऑफ अल्बेनी। गॉनरिल किस जो शादी होती है किससे होती है? ड्यूक ऑफ अल्बेनी से होती है, जो रीगन गॉनरिल की उनकी फर्स्ट बेटी है किंग लियर की। और रीगन कौन है? उनकी सेकंड बेटी। इनकी शादी होती है ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल से। और इनका एक सर्वेंट है केंट, ये किंग लियर का है। एक नोबल मैन है जो कि ऑनेस्ट पर्सन है। नेक्स्ट कैरेक्टर है फूल, जो किंग लियर का जेस्टर है, जो कि कैप्टन है। नेक्स्ट कैरेक्टर है गोलेस्टर, जिनके दो बेटे हैं, जिनका फर्स्ट बेटा है लेस्टिमेट, मतलब कि उनका वैध बेटा है या लीगल बेटा है, उनका नाम है एडगर। और एक इलीगल बेट मतलब कि इलेस्टिमेट सन है, जिसका नाम है एडमंड। ये इनके कैरेक्टर्स हुए फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। देखिए स्टोरी वहाँ से स्टार्ट होती है जब किंग लियर के दरबार में गॉलेस्टर और जो उनके बहुत सारे वो होते हैं, उनके बाहर की सीन होती है, उनके किले के बाहर की सीन होती है, जिसमें से सब लोग उनके बारे में बातें कर रहे होते हैं। उनकी जो दो बेटियां हैं गॉनरिल और रीगन, इन दोनों की शादी हो गई होती है। और अब किंग लियर ये फैसला करते हैं कि अब मैं अपनी तीनों बेटियों में अपना राज्य को बांट दूंगा। तब क्या होता है? तब सब लोग उनके आने का इंतज़ार करते हैं। तो किंग लियर और उनके दो बेटियों, उनके दोनों अपने दामाद के साथ आते हैं, और कॉर्डेलिया भी आती है। फिर उसके बाद क्या होता है? तब किंग लियर का एक क्वेश्चन होता है तीनों बेटियों के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि अच्छा ये बताओ कि सबसे ज़्यादा मुझे कौन चाहता है। तो उनकी जो फर्स्ट बेटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात करती है अपने पिताजी किंग लियर के बारे में, कि मैं आपको बहुत ज़्यादा चाहती हूँ, आपको संसार से भी ज़्यादा चाहती हूँ। तो इस बात से खुशी होकर के गॉनरिल को वो अपने राज्य का जो सबसे अच्छा पार्ट होता है उसको दे देते हैं। फिर सेकंड बेटे रीगन से भी यही सवाल होता है कि तुम सबसे ज़्यादा किसको चाहती हो। तो वो भी यही इसी तरीके जैसे गॉनरिल ने बताया, उसी तरीके रीगन भी उनको बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात करती है। तो उनका जो सेकंड पार्ट होता है, जो अच्छा पार्ट होता है, उसको दे दिया जाता है। तो थर्ड बेटी होती है कॉर्डेलिया, क्योंकि वो ऑनेस्ट पर्सन है, तो उससे भी ये क्वेश्चन किया जाता है। तो ये बोलती है कि पिताजी जिस प्रकार एक बेटी को अपने पिताजी को प्यार करना चाहिए, उसी तरीके मैं आपको प्यार करती हूँ। और जिस तरीके जब मेरी शादी हो जाएगी, तो जिस तरीके मेरा प्यार दो लोगों में बढ़ जाएगा, आपके उसमें और मेरे हस्बैंड के उसमें, तो उसी तरीके मैं हमेशा चाहती रहूँगी। तो इस बात से किंग लियर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कॉर्डेलिया को अपनी संपत्ति से बेदखल कर देता है, उसको अपनी संपत्ति नहीं देता है। तो इस बात से उनका जो सर्वेंट कौन होता है, अर्ल ऑफ कैंट, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो इनकी क्या बोलते हैं, डेस्टिमोना नहीं सॉरी कॉर्डेलिया की तरफ से
क्या करते हैं, उनकी तरफ से बोलते हैं, गवाह रखते हैं कि हुजूर आपने बहुत गलत किया है, कौर्डेलिया ने बिल्कुल अपने बयान सच किए हैं, आपने उन्हें अपनी जायदाद से बेदखल करके बहुत गलत किया है। तो ये बात सुन के किंग लियर को और भी गुस्सा आता है। वो बोलते हैं कि चलो जैसे कौर्डेलियो को मैंने अपने राज्य शासन से निकाल दिया, अब तुम भी यहाँ पे दिखाई मत देना कल से। तो कैंट भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जो हमारे गॉलिस्टर होते हैं, तो गॉलिस्टर के दो बेटे होते हैं, एक एडमंड होता है और एक एडगर होता है। एडमंड कौन होता है, उसका मतलब अवैध बेटा होता है, और जो उनका लीगल बेटा होता है एडगर। तो एडमंड होता है, वो एडमंड बहुत ज़्यादा अपनी इस बात से चिढ़ता है कि उनका अवैध बेटा है, उसको इसी बात से चिढ़न होती है। तो वो एक प्लानिंग करता है, तो वो अपने एडगर के नाम से एक पत्र लिखता है और उसमें ये लिखता है कि मैं अपने पिताजी को मारने वाला हूँ, और भाई आप मेरी हेल्प करें। और ये पत्र लेकर के अपने पिताजी गॉलिस्टर के पास जाता है और उनसे कहता है कि छिपा रहा होता, तो वो ये बोलते हैं कि बेटा क्या छिपा रहा हो। तो बोलते हैं कि अरे पिताजी आप मत पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा है। कहते नहीं नहीं दिखाओ। तो फिर वो दिखाते हैं, तब वो देखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो ये बोलते हैं कि अब एडगर को इसकी सज़ा तो ज़रूर मिलेगी, और वो एडमंड को लेजिटिमेट सन मतलब कि घोषित कर देते हैं, और उनको अपने राज्य का उनको मतलब उत्तराधिकारी बना देते हैं एडमंड को, और एडगर को वहाँ से मारने का अधिकार दे देते हैं। तो एडगर अपनी जान छिपा करके जंगलों में पुअर टाम के नाम से रहने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर इधर क्या होता है, जो हमारे केंट होता है लाफ केंट, वो ये देखने के लिए कि राजा कैसे हैं, वो ये देखने के लिए एक भिखारी का रूप धारण करके वही राज्य में पहुँचता है और उनसे कहता है कि हुजूर मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे अपने राज्य में रख लीजिए, मैं आपको सर्वेंट का काम आपकी जितनी भी खातेदारी होगी मैं करूँगा। तो ये बात वो सुन करके उसको रख लेते हैं और उनकी वो देख रेख करता रहता है जैसे पहले करता था, और वो उसको नहीं पहचान पाते हैं किंग लियर। फिर उसके बाद क्या होता है कि किंग लियर एक दिन कहते हैं कि अब मैं अपना राज्य शासन छोड़ करके मैं अपनी बेटियों के पास जाना चाहता हूँ। फिर क्या होता है, वो सबसे पहली बेटी के पास जाते हैं। सबसे पहली बेटी जो होती है गॉन्ड्रिल, वहाँ जाते हैं। वहाँ 10 से 15 दिन ही हुए होते हैं और वो इनके साथ उनका जो एक नौकर होता है ओसवाल, तो उससे वो बोल देती हैं कि इनके साथ आपको अच्छा व्यवहार नहीं करना है, इनके साथ आपको दुर्व्यवहार करना है। और वो अपने सामंतों के साथ जाते हैं, उनके पास 100 सामंत होते हैं मतलब 100 सैनिक होते हैं। तो गॉन्ड्रिल बोलते हैं कि पिताजी आपको इतने सामंत रखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप ऐसा करिए आप 50 मतलब कि 50 सामंत रख लीजिए, जिनमें से बिल्कुल वो आपके ही एज के हो, क्योंकि आपको ज़्यादा यंग सामंतों की ज़रूरत नहीं है। तो 50 सामंतों को हटा देती हैं, 50 सामंत ही रह जाते हैं। फिर उसके बाद उनके साथ केंट भी रहते हैं। फिर उसके बाद वो सोचते हैं जब उनको फिर उसके बाद पहले तो उनके जो नौकर होते हैं वही पहले इतना दुर्व्यवहार कर रहे थे, फिर कुछ दिन बाद गॉन्ड्रिल भी उसी तरीके से व्यवहार करने लगती है मतलब कि रूखा व्यवहार। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वो सोचते हैं कि इससे अच्छा तो मैं अपने छोटी बेटी रीगन के पास जाऊं। तो वो रीगन के यहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इधर गॉन्ड्रिल क्या प्लान करती है कि मैं उससे भी बोल दूं कि फिर वो अपने जो सर्वेंट होता है उनका ओसवाल, उनसे एक लेटर लिखवा के उनको भेजती हैं कि पिताजी आपके यहाँ आने वाले हैं, ऐसा करो आप भी वैसे जैसे मैंने व्यवहार किया है तो आप भी वैसे ही व्यवहार करना। तो रीगन के यहाँ जब जाते हैं तो रीगन के यहाँ भी उनको उससे भी ज़्यादा बेकार दुर्व्यवहार मतलब उनको मिलता है। किंतु ये सब चीज़ देखते रहते हैं, वो तो ये बोल देती हैं कि पिताजी आप 50 सामंतों के साथ क्यों घूमते हैं, आपको तो इतनी ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ 25 सामंत ही रखिए। तो वो ये सोच के उनको बहुत बड़ा दुख होता है, वो तो यही सोचते रहते हैं कि क्या हुआ, मेरी दोनों बेटी इतनी दुष्ट निकली, मुझे तो पता ही नहीं था। इधर जो कौर्डेलिया होती है, कौर्डेलिया की जो शादी होती है, जब पहले तो कौर्डेलिया की शादी के लिए प्रस्ताव रखे जाते हैं, तो एक होते हैं ब्रिटेन के, तो वो क्या बोलते हैं कि मैं शादी करूँगा, लेकिन जब वो सुनते हैं कि इनके पास कुछ भी नहीं इनको दहेज देने के लिए, तो वो मना कर देते। फिर किंग ऑफ फ्रांस का जो राजा होता है, तो वो बोलते हैं कि ठीक है मैं करूँगा, क्योंकि वो जानते हैं कि ये ऑनेस्ट डॉटर है मतलब
ये बहुत ज़्यादा वर्चुअस लेडी है, इसलिए वो उससे शादी कर लेते हैं। फिर इधर क्या होता है, जब जब किंत देखता है कि उनकी ये दशा है, तो इधर वो क्या बोलते हैं, जब फिर इनको राजा को और केंट को, केंट को वहाँ बंदी बना लिया जाता है रीगन के यहाँ कॉर्नवाल। फिर यहाँ पे क्या होता है, इधर राजा किसी तरीके से निकल जाते हैं, केंट भी, केंट उनको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, तो वो वही जगह पहुँचते हैं जहाँ पे एडमंड का भाई एडगर जब भाग के पुअर टॉम के नाम से रह रहा था, उसी झोपड़ी में पहुँच जाते हैं। उधर केंट भी उनको ढूंढ लेते हैं, इधर जो गॉलिस्टर होते हैं, इधर गॉलिस्टर भी पहुँच जाते हैं, और उधर पता चलता है एडमंड को कि वहाँ पे जो ब्रिटेन की सेना है उनसे फ्रांस से लड़ाई होने वाली है, मतलब वार होने वाला है। तो क्या प्लान करता है, वो ये कह देता है कि वो जो उनके पिताजी गॉलिस्टर हैं वो उन्हीं की तरफ से मिले हुए हैं, उधर जो फ्रांस की जो सेना होती है उनका जो लीड लीड होता है और लीड करती है कॉर्डेलिया, तो इनसे दोनों से युद्ध होता है। फिर इधर कॉर्डेलियो को पता चल जाता है कि उनके पिताजी की क्या हालत है और युद्ध में कौन कौन कॉर्नवाल मारे जाते हैं, हाँ रीगन एंड कॉर्नवाल किसको मार देते हैं, गॉलिस्टर को, मतलब उसकी आंखें निकाल के फेंक देते हैं। और इधर लास्ट में क्या होता है, एडगर किल्ड एडमंड को मारते हैं, एडगर एडमंड को मार देते हैं। रीगन किसको मार देती है, सर्वेंट को मार देती है। गॉनरिल किसको मार देती है, रीगन को मार देती है पॉइजन देकर, और गॉनरिल खुद ही मर जाती है, मतलब कि फांसी लगा के। और लास्ट में जो कैप्टन होते हैं, क्योंकि कैप्टन को ऑर्डर दे दिया जाता है कॉर्डेलिया एंड फूल और किंगलियर को मारने के लिए, तो कॉर्डेलिया को वो मार चुके होते हैं, उनका ऑर्डर मतलब वापस नहीं ले पाते। फिर इधर किंगलियर पागल हो जाते हैं, वो जब देखते हैं कि उनकी बेटी मर चुकी है, उनके याद में वो इतना ज़्यादा पागल हो जाते हैं, सिर्फ लास्ट में यही किंगलियर और एक उनके कैरेक्टर बचते हैं। बस यही हमारी कहानी थी, यही मोस्ट ट्रेजेडी थी, ग्रेट ट्रेजेडी, जिसमें से इतने लोग सब मारे जाते हैं, सिर्फ दो कैरेक्टर बचते हैं, बाकी सब लोग मर जाते हैं। यही थी हमारी किंगलियर की दोस्तों कहानी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग ये समरी पढ़ चुके हैं, अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें आपको इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन देखने को मिलेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।